सर, प्लॉट और फाइल में क्या फ़र्क है? प्लॉट और फाइल में यह फ़र्क है कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, फिर उसका चाइल्डहुड शुरू हो जाता है बचपन, फिर टीनेजर होता है, फिर जवान हो जाता है, और फिर हमारे जैसे मिडल एज में आ जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। सो जो प्लॉट की प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस को फाइल कहते हैं और उस ओवरऑल प्रोसेस को प्लॉट कहते हैं। सो फाइल सबसे पहले, जब फिर फाइल्स के अंदर भी दो तीन किस्में हैं, जैसे कि एक अनबैलेटेड फाइल है, एक बैलेटेड फाइल है। सो आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हो, सबसे पहले आपको उसका पता हो, लाइक गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको पता हो कि ब्रेक कौन सी है, स्पीड कितनी मारनी है, स्टेयरिंग को कैसे घुमाना है। इस तरह जब कोई भी बंदा प्लॉट ख़रीदने जा रहा है, उसको ये चीज़ों को पता होना चाहिए जो मैं आज उनको बता रहा हूँ। सबसे पहले जब ज़मीन सोसाइटी ख़रीदती है तो उस पर डेवलपमेंट शुरू करती है, उस दौरान सोसाइटी एक नक्शे के हिसाब से फाइल्स जारी कर देती है, हज़ार हज़ार प्लॉट जारी कर दिए। फिर जब डेवलपमेंट साथ साथ होती जाती है, साथ साथ उनके पास किस्तें आ रही होती हैं, सोसाइटी के पास किस्तें आ रही होती हैं। जब सोसाइटी के पास किस्तें आ रही होती हैं तो फिर एक सर्टन पोजीशन के ऊपर सोसाइटी कहती है कि प्लॉट नंबर लगेगा 50% पे, दैट इज़ कॉल्ड बैलेटिंग। तो उस फाइल को फिर कहते हैं बैलेट फाइल, उससे पहले होते हैं अनबैलेट फाइल। फिर देन जब वो प्लॉट मौके पे रेडी हो जाता है, वो प्रॉपर्टी, वो फाइल, तो फिर उसको पोजेशन का स्टेप कहा जाता है, और पोजेशन के स्टेप को कहा जाता है कब्ज़ा देना, यानी कि आ जाएं जी आप अपना प्लॉट ले लें, उसको कहते हैं। फिर देन वो रियल प्लॉट में कन्वर्ट होता है। इससे पहले जब नक्शे के ऊपर प्लॉट नंबर लगता है, उसको फिर एलोकेशन या अलॉटमेंट कहते हैं। सो प्लॉट आखिर में होता है, फाइल पहले होती है। दोनों में फ़र्क इस चीज़ का है कि जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है, क्योंकि वो आपके सामने है, जैसे कि ये घड़ी मेरे सामने है ना, ये प्लॉट मुझे नज़र आ रहा है, और फाइल हवा में होती है, उसका पता नहीं होता। लेकिन चूँकि प्लॉट, जब जब एक प्लॉट है, अब आप सुने, जब बचपन था तो फाइल था, जब जवान हो गया तो प्लॉट हो गया। तो जो प्लॉट है वो फॉर एग्जांपल 50 लाख की है, तो फाइल कितने की होगी? 20 लाख की। 20 लाख की फाइल है एक प्रॉपर्टी की, जब उसको प्लॉट नंबर लगा तो 30 लाख की होगी, जब रेडी हो गई प्लॉट तो 40 लाख की होगी। सो लोग इसीलिए फाइल ख़रीदते हैं क्योंकि वो सस्ती होती है। दूसरा, प्लॉट कैश के ऊपर होता है और फाइल आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है। सो आप ये कहते हैं कि यार चलो मैं दो तीन साल में किस्तें भी दूंगा, और दो साल बाद तीन साल बाद जाके मुझे ये फाइल प्लॉट में कन्वर्ट भी हो जाएगी, और तब तक मेरी किस्तें भी मुकम्मल हो जाएंगी। सो जिनके पास तो कैश है वाफर मकदार में, वो मौके के ऊपर प्लॉट ख़रीदने को तरजीह दें। जिनके पास प्लॉट के लिए कैश नहीं है और एक मुतवस्सत है, बंदा कहता है यार मैं 50,000 रुपये महीना बचा रहा हूँ, मैं 25,000 रुपये महीना बचा सकता हूँ, तो उनके लिए फिर हम फाइल्स के ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट सोसाइटियों में मौजूद है, और उसमें NOC अप्रूव्ड को देखना, उस सोसाइटी की डेवलपमेंट को देखना, उस सोसाइटी की लेजिसी को देखना, उस सोसाइटी के काम को देखना, उस सोसाइटी के पास्ट को देखना, उनके मालकान को देखना, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर हम अपने कस्टमर के लिए एक सेफ पोर्टफोलियो बनाते हैं फाइल्स के लिए। सेम फिर इस तरह, इसके अलावा फिर कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, वो भी फाइल होती है पहले स्टेप में, जब बिल्डिंग बन जाती है, रेडी हो जाती है, तो फिर उनको हम रेडी शॉप दे देते हैं। उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर वो 10% 20% बुकिंग से हम शॉप्स और अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस भी अपने कस्टमर्स को दे रहे होते हैं। सो ये एक पूरा सिलसिला होता है प्लॉट और फाइल का।